ओके तो अभी देखते हैं कितने पॉइंट आए। आजा 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 आजा। ओहो, ये देखो पहाड़, माउंटेन्स आने चालू हो गए प्रॉपरली। ऐसा लग रहा है कि हम पहाड़ों में घुसने वाले हैं ऐसे अंदर। रोड ऐसा ही है, मतलब जो एक तरफ खाई है और एक तरफ रोड है, गोल 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 घूम के जाना है ऊपर। तो कई दिनों से जिसका इंतजार था वो घड़ी अभी आ चुकी है, वो पल अभी आ चुका है। आप सोच रहे होंगे कि किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्रिप की। तो फाइनली ट्रिप वाला दिन आ गया है और सुबह सुबह हम निकल पड़े हैं। सुबह के 6 बज चुके हैं और हम निकल पड़े हैं 3-4 डेज की ट्रिप पर। ये कितने टाइम से प्लान हो रहा था यार, सीरियसली। अब जाके प्लान फाइनल हुआ है और हम निकल पड़े हैं। यार ट्रिप में होता क्या है कि बहुत लोग तैयार होते हैं, लाइक 8-10 लोग तैयार हो जाते हैं और फिर एंड टाइम पे एक 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 करके चले जाते हैं सब लोग, तो फिर थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है। बट कोई बात नहीं, जितने लोग हैं इतने लोग हम निकल गए। अभी आधे लोग जो है वो डायरेक्टली आने वाले हैं आपू पे, तो डायरेक्टली मिलेंगे। और हम 2 लोग निकल पड़े अभी और आगे लोग हमें ज्वाइन करने वाले हैं, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है ये 4 डेज की ट्रिप में। तो वैसे अभी फ्यूल दिखा रहा है 3 पॉइंट, तो अभी पहले तो फ्यूल अप करवाना पड़ेगा बाइक का। और एक और बात बताऊँ तो ट्रिप मीटर भी सेट कर लिया है मैंने, तो 0 कर दिया था। अभी देखो 5 किलोमीटर हुआ, जस्ट अभी निकले घर से, तो मुझे ट्रिप भी पता चल जाएगा कि कितना किलोमीटर हमने टोटल राइड की ट्रिप में, तो वो भी फाइनल पता लग जाएगा। और आज एवरेज भी पता लग जाएगी, बाइक की माइलेज मतलब कितनी मिलती है वो भी पता लग जाएगी, क्योंकि आज तक मैंने कभी टेस्ट नहीं की, आज सारे टेस्ट हो जाएगी, क्योंकि आज मैं टैंक फुल कराने वाला हूँ। बाकी यार मौसम इतना क्लियर हो रहा है कि मतलब अभी तो सूरज निकल रहा है, सन राइजिंग हो रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे सूरज आएगा वैसे वैसे नज़ारा बदलता जाएगा और मज़ा आएगा रोड देखने में। तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, आपको तो देख के ज़्यादा मज़ा आएगा वीडियोस में। ऑल्दो मैं पैकिंग का वीडियो बनाने वाला था, कि जब जो जो मैंने पैकिंग किया उसका वीडियो बनाने वाला था, बट बना नहीं पाया बिकॉज ऑफ बहुत मतलब काम में बहुत लोड आ गया था। और ये अचानक ऐसा तय हुआ कि बहुत सारा पैकिंग में टाइम चला गया, तो मतलब वीडियो बना ही नहीं पाया मैं, टाइम ही नहीं मिला। डेस्टिनेशन के मैं आपको किलोमीटर बता दूँ तो अराउंड समवेयर 250 किलोमीटर्स है। ये 250 किलोमीटर जो है वो हमको 3 आवर में कवर करने हैं, तो उस हिसाब से चलाना पड़ेगा। और ब्रेक का हमने 50 किलोमीटर्स पे तय किया है, 50 किलोमीटर्स पे एक एक ब्रेक लेते रहेंगे हम। पेट्रोल पंप आ चुका है, पहले तो फ्यूल अप करा लेते हैं, देखते हैं कितने का फुल होता है पेट्रोल। 670 का पेट्रोल डाला, अभी देखते हैं कितने पॉइंट आए। आजा 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 आजा, आ गया। ओहो, आफ्टर लॉन्ग टाइम, ये देख सकते हो आप, मतलब फुल ऑन, सारे कांटे भरा है, सारे कांटे, लेवल अप आ गया पूरा, मतलब टंकी एकदम ओवरफ्लो हो गई, इधर तक पेट्रोल आ गया। आफ्टर लॉन्ग टाइम ये देखने को मिला और देखने से खुशी मिली बहुत ही। चलो अभी निकलते इधर से और अच्छा सा नज़ारा कैप्चर करते हैं फिर। तो भाई हम गांधीनगर में एंटर हो चुके हैं और ये तो देखो यार रोड ब्लॉक है, सुबह सुबह खाली रोड मिले ना तो मज़ा आ जाता है, मतलब आगे तो खाली रोड आने वाला है, एकदम खाली, तो प्रॉपर मज़ा आएगा। और आज है वैसे संडे, तो बहुत सारे लोग मिलेंगे, पब्लिक रिएक्शन भी मिलेंगे आज, और बहुत सारे लोग घूमने निकले। देखो गाड़ी भर के जा रहे हैं, मतलब बैग पैक करके जा रहे हैं, मतलब नज़ारा तो इतना मस्त आ रहा है, मतलब एक के बाद एक सीन मस्त आते हैं। और बहुत सारे लोग इधर एक्सरसाइज कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, ये देखो पूरा लाइनअप लगा हुआ है इधर, बहुत सारे लोग इधर आते हैं, चलो हम भी आएंगे। तो भाई आप एटमोसफियर देख सकते हो कितना कूल हो रहा है यार, सीरियसली, मतलब इधर बारिश गिरी हुई है तो थोड़ा थोड़ा एटमोसफियर भी एकदम कूल हो रहा है। और ये सूरज निकला नहीं अभी तक, बादल के पीछे छुपा हुआ है अपना प्यारा सा सूरज, मतलब गर्मी तो लगने नहीं वाली ये तो पक्का है, क्योंकि ये देखो रोड पूरे गीले दिख रहे हैं आपको, और रोड कभी कभी पक्के हैं कभी कभी कच्चे आ रहे हैं, तो कंटिन्यूस चला नहीं पाते, 1900 स्पीड तक शांति से चलाना पड़ता है, क्योंकि अचानक खड्डा भी आ जाता है, तो काफ़ी बार गिरते गिरते रह भी चुके हम, वो तो हैंडल कर लेते थोड़ा थोड़ा, क्योंकि धीरे धीरे चलाते हैं नॉर्मल स्पीड में, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता, दिक्कत नहीं होती। अभी तो फिलहाल क्या है कि आबू पे पहुंच के रूम पे जाके सो जाना पड़ेगा 4-5 घंटा, बिकॉज रात को पूरी रात क्या हुआ, पैकिंग में चलेगी आगे आधी रात तो, और फिर 3-4 बजे तक जगे और फिर लगभग 1 आवर की नींद पूरी हुई है, अरे मतलब पूरी तो नहीं कह सकते, 1 आवर की नींद हुई है, तो उसी वजह से जो के आ रहे अभी अभी मैं फिलहाल 75% नींद में हूँ,
आपको लग ही रहा होगा। ये देखो थोड़ा भगाया और ये देखो ऐसा रोड आ जाता है फिर, तो उसमें क्या होता है स्टेबल नहीं रहती अपनी बाइक। अपनी बाइक मतलब किसी की भी बाइक स्टेबल नहीं रह सकती, ऐसे ऐसे झुक झुक करती है थोड़ी, तो प्रॉब्लम यही आता है। क्या रोड कच्चे कच्चे बहुत आ रहे हैं, मुझे लगा अच्छे वाले रोड हो गए, शायद बारिश में रोड ख़राब हो गए लगते हैं। प्यास भी बहुत सारी लगी यार, पानी भी पीना पड़ेगा। और ये आपको दिखा नहीं सकता, ये हेलमेट के वाइजर में ना ऐसे छोटे छोटे मच्छर चिपक गए हैं यार। मैंने कल ही नया वाइजर डलवाया, फिर भी वाइजर पूरा गंदा हो जाएगा, क्लीन करना पड़ेगा अभी यार। तो भी यार रोड तो इतने मस्त आ रहे हैं, मतलब कॉर्नरिंग तो हाँ अमेजिंग हो रही है कॉर्नरिंग। तो ये देखो काफ़ी सारे लोग आगे हैं हमारे, ये देखो आगे बाइकर्स जा रहे हैं हमारे, और मैं धीरे धीरे पीछे जा रहा हूँ, सोचा थोड़ा कवर कर लेता हूँ। मैं तो वरना बहुत ही आगे था, 110 120 पर ही चला रहा था, तो सोचा फिर कवर कर लेता हूँ। ये देखो हमारे सारे बाइकर्स, ये थंडरबर्ड, ये देखो मतलब पूरे जोश में है यार सारे के सारे। एक पैशन प्रो है, एक थंडरबर्ड है, और आगे एक यामा MT-15 है, और दो तीन लोग आगे पीछे है, अलग अलग है सारे। और कुछ लोग तो डायरेक्टली आने वाले वहाँ पे, कुछ लोग कार वाले भी है, तो ऐसा कुछ है, तो भी देखते हैं। हम तो पहुँच जाएगी सबसे अलग, और हमको वीडियो भी शूट करने हैं, तो उस तरह से चलना पड़ेगा। अभी बारिश का मौसम लग रहा है, बारिश गिर नहीं रही है, अगर बारिश आए तो रेनकोट पहन लेंगे, अपने रेनकोट साथ में लिया है हमने। बाइक की हालत बाकी अच्छी खासी गंदी होने वाली है, मैंने तो कल पूरे अच्छे तरीके से साफ़ किया था, पूरा चमकाया था, कीचड़ वाला मिट्टी वाला हो जाएगा पूरा का पूरा। आओ वाओ खसो यार, हमको आबू जाना है। ओ माँ बम्स बहुत है यार, एक बात बता दो, छोटे छोटे बम्स बहुत है ये सारे रोड पर, तो यार मतलब मसाज हो रहा है पूरा बैग का ऐसा लग रहा है। कभी कभी काम से दूर जाना चाहिए, ऐसी ट्रिप लगानी चाहिए। और तो ये हमारी फर्स्ट ट्रिप है ऐसे लॉन्ग वाली, ऐसे 3-4 दिन की फर्स्ट ट्रिप है मेरी बाइक पे, और तो बाइक पे 4 साल हो चुके हैं, बस एक भी ट्रिप नहीं लगाई, तो ये मेरी फर्स्ट ट्रिप है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैंने बोला नई बाइक ले उससे पहले ये बाइक पे ट्रिप तो लगा लेते ताकि हाँ बट मज़ा आएगा। ये तो पहली ट्रिप है, अभी ये एक ट्रिप नहीं, इसके बाद भी बहुत सारी ट्रिप्स करनी है, अभी अलग अलग जगह एक्सप्लोर करेंगे, अलग अलग जगह पे जाएंगे, और मस्त मस्त से व्लॉग बनाएंगे। तो आप सपोर्ट करना मुझे, और कमेंट करना कि कैसे लग रहे हैं व्लॉग्स। ये देखो आपको पब्लिक रिएक्शन दिखाता हूँ, मतलब अभी टूरिस्ट बहुत सारे दिख रहे हैं, गाड़ियाँ भी बहुत सारे दिख रही है, ये देखो भर भर पे लोग जा रहे हैं, ये देखो रिएक्शन मिल रहा है अच्छे खासे, उड़ उड़ के सारे हंस रहे यार। मुझे भी मज़ा आता है ये रिएक्शन देख के, टोटली मूड आ जाता है ऐसे रिएक्शन देख के। वैसे इधर रोड थोड़े गीले गीले हैं, बारिश आ चुकी है, शायद आने वाली है, आई डोंट नो, बट रोड गीले है, हमें रेनकोट की तैयारी रखनी पड़ेगी अभी साथ में, कभी भी आ सकती है। वैसे हल्के हल्के सीटें गिर रहे हैं, उतनी तेज़ नहीं आ रही है, हल्के हल्के गिर रहे हैं सीटें। अंबाजी का स्टार्टिंग वहाँ से हो जाता है जब माउंटेंस दिखने लगे, तो अभी शायद 60 किलोमीटर बाकी है अंबाजी, और अंबाजी से आबू का रोड है, मतलब आबू तक जाने का है 30-35 किलोमीटर। वो क्या है ऐसे ऊपर ऊपर जाता है, ये पूरा रोड ऊपर ऊपर जाता है, तो अंबाजी से आबू पहुंचने में टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि एकदम माउंटेन वाला रोड है, माउंटेन से चढ़ना होता है, तो 30-40 के ऊपर के स्पीड में नहीं जा सकते हम, 30-40 की स्पीड ही रखनी पड़ेगी। जो एटमोसफियर लग रहा है, मतलब मैंने बोला था ना माउंटेन आने चालू हो गए, तो ये शायद आपको दिख रहा होगा इधर, ये देखो छोटा सा माउंटेन आ गया। वैसे फॉग भी काफ़ी सारा इधर, क्योंकि एटमॉस्फेयर ऐसा है तो फॉग भी आ रहा है, तो ये देखो छोटा सा माउंटेन दिख रहा है आपको, वीडियो में शायद दिख रहा नहीं, मुझे तो क्लियर दिख रहा है। ये जो नज़ारा है ना, मतलब टोटली मतलब अलग ही फीलिंग है। और आबू में तो कैसा मज़ा आएगा यार, हम हिल्स में जाएंगे तो कैसा मज़ा आएगा। काफ़ी लोग आबू गए होंगे, मैं बट लाइक आपको बोलूँ तो मैं छोटा था तब गया था, 8 साल पहले गया था बराबर, तो बहुत ही टाइम हो गया। बाकी कई लोग जाके आए, कई लोगों ने व्लॉग्स बनाए होंगे, बट अपने थोड़े लेट पड़ गए, कोई बात नहीं। जो फीलिंग लेनी थी मुझे वो आज ले रहा हूँ मैं, मतलब बता नहीं सकता आपको, शब्दों में बता नहीं सकता कि कैसा मज़ा आ रहा है। थकान होती है, पेन होता है, बहुत ही होता है बैक साइड में, बट मज़ा भी उतनी आ रही है। ये तो क्या है, सो के उठेंगे तो अच्छा हो जाएगा, बट यार ये जो मेमोरीज है, ये जो सुकून है, वो तो हमेशा याद रहेगा। ओ हो, ये देखो पहाड़, माउंटेन्स आने चालू हो गए प्रॉपरली, ऐसा लग रहा है कि हम पहाड़ों में घुसने वाले हैं ऐसे अंदर। अंबाजी दिख रहा है 35 किलोमीटर्स हाँ अंबाजी, मतलब 15-20 मिनट गिन लो आप लोग। और रोड बहुत ही बढ़िया, कॉर्नरिंग तो मतलब मज़ा आया। सुपर बाइक होता, ट्रैक बाइक होता तो कॉर्नरिंग मस्त से करते हो, अपने बाइक को बताया टायर का लोचा है थोड़ा,
टायर अभी दड़वाना पड़ेगा। रोड देख रहे हो आप कितना मजा आ रहा है। ये रोड देख के मुझे कबीर सिंह के सौ गाय याद आते हैं यार, वो वाला तुझे कितना चाहने लगे हम, हाँ हाँ क्या फील देता है। अंबाजी जाने का प्लान था बट वो चेंज हो गया कि अंबाजी ऐसा है तो रिटर्न में जाते हैं, पहले डायरेक्टली आबू ही जाते हैं, वहाँ पे थोड़े होटल में जाते हैं नहाएंगे धोएंगे फ्रेश होके तो थोड़ा मूड आएगा शायद, बाकी अंबाजी में जाने का मज़ा नहीं आता। और नहाए बिना मंदिर में जाए भी कैसे यार, नहाए या नहीं वैसे रात को नहा लिया था बट फिर भी नहाना पड़ेगा, अभी हालत थोड़ी पतली हो जा रही है। इधर कॉर्नरिंग नहीं होता, ये देखो ऐसा रोड है जिसमें कॉर्नरिंग करने जाएंगे ना तो फिसल जाएंगे और सीधा माउंटेंस में जाके टकराएंगे। फिर जिसको कॉर्नरिंग करना है ना वो स्पेशली यहाँ सकता है, कॉर्नरिंग के लिए बेस्ट है ये रूट आबू वाला अंबाजी वाला। हाँ हाँ हाँ, अपने को कॉर्नरिंग उतनी आती नहीं और वैसे भी पीछे पिलियन बैठा हुआ है तो इट्स नॉट पॉसिबल, कॉर्नरिंग पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि शायद बैलेंस बेलर गिर गया ना तो ऐसा तैसा हो जाएगा, इसलिए अपने को कोई रिस्क लेना नहीं है कॉर्नरिंग का। ओह तो ये देखो, इतना तो कॉर्नरिंग करता हूँ मैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता मैं ज़्यादा नहीं झुकता, डर लगता है थोड़ा, अभी सीखना है ना यार। ये देखो मतलब नज़ारा टोटली, थोड़े ऊपर हाइट पर आ गए हम, ये बादल इतने अमेजिंग लग रहे हैं जो लग रहे हैं सामने से जा रहे हैं, शायद और ऊपर जाएगी ना तो बादल हमारी आंखों के सामने हो गए यार। ये देखो सीरियसली मज़ा आ रहा है, ये देखो स्पॉट, फोटोग्राफी कर रहे हैं सारे लोग, इधर गार्डन है वार्डन है सब है। तो गाइस फाइनली अभी हम अंबाजी में एंटर हो चुके हैं, ये देखो काफ़ी सारी पब्लिक दिख रही है अभी, बट हम इधर अभी स्टे करने वाले हैं नहीं, सो रुकना नहीं है हमें, जाना इधर से सीधा आबू रोड। तो ये देखो ऊपर बोर्ड देख सकते हो, हिम्मतनगर इधर खेड़ ब्रह्मा अंबाजी आबू रोड माउंट आबू, तो आबू रोड है 22 किलोमीटर्स और माउंट आबू है 52 किलोमीटर्स, तो सीधा ही जाना है अभी माउंट आबू। मतलब पब्लिक तो फुल ऑन चालू हो गई यार अंबाजी आते ही, ये देखो चारों ओर भीड़ तो इधर रहती है अच्छी खासी, हर संडे को तो कुछ ज़्यादा ही भीड़। ओह माय गॉड, इधर से निकलते ही मुझे लगता है आधा घंटा होगा, आबू रोड कब पहुँचेगा आई डोंट नो सीरियसली यार, बहुत ही ज़्यादा मतलब भीड़ है। ये देखो पूरा का पूरा मतलब लाइन लगी हुई है इधर, अच्छा हुआ वैसे भी अभी नहीं जाते यार, मैं ना एक्सीलेटर दे ही नहीं रहा हूँ, खुद ब खुद ऐसे बाइक जा रही है और ये देखो झूला झूला ऐसा लग रहा है यार, कैसा मस्त सा रोड है, मुझे लगता है इधर एवरेज अच्छी खासी मिलती होगी क्योंकि एक्सीलेटर नहीं देना पड़ता। ये देखो मैंने छोड़ दिया अपने आप जा रही है, ये अच्छा है यार, पेट्रोल बचेगा इधर तो। और यार मतलब रोड का मजा तो देखो यार, ये आबू रोड इधर से 20 किलोमीटर है और आबू देखने जाए तो 50 किलोमीटर है, तो पहले आबू रोड आता है उसके बाद आबू आता है, तो धीरे धीरे ये क्या होता है अभी क्या होता है पता है, धीरे धीरे ये रोड है ना ऐसे ऊपर 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 चढ़ेगा तो मज़ा आएगा उसमें, उसकी चोटी पकड़ेगी आबू की। ये देखो आ गया इधर माउंट आबू है, इधर से 20 किलोमीटर्स पे रोड ऐसा ही है मतलब जो एक तरफ खाई है और एक तरफ रोड है, गोल 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 घूम के जाना है ऊपर, अगर गिरे तो सीधा खाई में इस साइड ही रह रहा है, अपने को इस साइड रह रहा है तो ऊपर जाएंगे, नहीं तो इस साइड रहेंगे तो सीधा खाई में जाएंगे हम, अभी अराउंड आधे घंटे में पहुँच जाएंगे हम ऊपर। बाकी मज़ा आ रहा है चलाने में, थक गया हूँ, मज़ा तो आ रहा है बट थक गया हूँ, जाके कुछ नहीं करना है, सोना है शांति से 4-5 घंटे, उसके बाद जो होगा होगा। तो चलिए ये ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और इसके बाद वाले ब्लॉग में मिलेंगे, अभी आवाज़ थोड़ी सी कम हो गई है, एनर्जी चली गई है इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। तो चलिए ये ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नए प्लेसेस के साथ और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।